अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है आप सबको मेरी? हाँ भाई, लॉन्ग टाइम नो सी हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, आप लोग सब कैसे हैं? ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? अच्छी गुजरी। और बारिश कैसी गुजर रही है आप लोगों की? जबरदस्त गुजर रही है बारिश। बेटा मेरी तो बहुत ही बॉस बिल्कुल सीपीयू बन जाते, सही कह रही है। वैसे तो मेरी अच्छी नहीं गुजरी बारिश, हमारे साथ तो बड़ा ही धोखा कर दिया। हमारा था कि भाई एग्जाम्स शुरू हो गए थे वाइवा, सही है, तो वाइवा के लिए पढ़ रहे थे बैठ के। 2 दिन पढ़ा लगातार बैठ कर, 1 दिन वाइवा हो भी गया, 2 दिन लगातार बैठ के पढ़ा। जिस टाइम पे तेज बारिश चल रही थी, घर में से ऊपर जाके नहा रहे थे और नीचे बैठे ना खिड़की के पास बैठ के पढ़ रहे। मतलब रात तक पता चला कि सारे वाइवा पोस्टपोन्ड हो गए। तो जो मजे की बारिश थी ना, वो हाथ से निकल। अब क्लियर आ रही है आवाज? ओके चले, तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मैंने जो 2 दिन लेक्चर नहीं किया कल और परसों, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया है सेल वॉल का। आपको अगर याद हो, जब आप लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो हम लोग सेल वॉल डिस्कस कर रहे थे। सेल वॉल हम लोगों ने आधा पढ़ लिया था, सही है, तो लेकिन फिर उसके बाद रह गया था वो। तो आप लोग बहुत बड़े हो गए, मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला दूं, मैंने सेल वॉल का जो है वो एक छोटा सा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया 15 मिनट का, और वो इंशाल्लाह आप लोगों को आज रात तक मिल जाएगा, तो उससे आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। मैंने बल्कि जो हम जितना आप लोगों ने पढ़ लिया था ना सेल वॉल, वो भी मैंने उसके अंदर रिपीट कर दिया, ताकि जो इतने दिन का गैप आ गया है हमारा, तकरीबन 2 हफ्ते का गैप आ गया है, तो उसमें आप लोगों को परेशानी ना हो, जो भी चीजें आपके दिमाग से निकल गई हो वो दोबारा से जो है वो फ्रेश हो जाए। तो सेल वॉल का मैंने पूरा का पूरा लेक्चर जो रिकॉर्ड कर दिया, वो आज रात तक इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा फराज, 1 मिनट, अब ठीक आ रही है आवाज? जैसे ही आवाज खराब हो वैसे ही बता दीजिएगा, ये बारिश की वजह से मसले हो रहे हैं, जैसे ही मसला हो बता दीजिएगा। चलिए भाई, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेल मेमोरी। अब ओके, सेल मेम्ब्रेन तो होती क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्लांट, एल्जी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ये सेल वॉल के नीचे मौजूद है, सही है। एनिमल के साथ प्रोटोजोन्स भी ऐड कर दीजिएगा, मैं जगह जगह पर प्रोटोजोन्स लिखना भूल गई हूँ। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से याद होगा, प्रोटोजोन जो होते हैं वो एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे है ना। तो एनिमल्स और प्रोटोजोन्स दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर मौजूद होती है, जबकि प्लांट, एल्जी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल के नीचे दब रही है। अल्लाह जाने क्या मसला हो रहा है बेटा, अब सही है? अच्छा निखत, अब सही है?
ठीक है, तो एनिमल और प्रोटोजोन के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है, जबकि प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई के अंदर ये सेल वॉल के नीचे मौजूद है। अच्छा, अब जिस तरह से जी बिल्कुल बारिश की वजह से मसला हो रहा है, अब जैसे कि हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था बेटा कि सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, सही है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल के अलावा पूरा सेल लिविंग होती है, सिर्फ एक सेल वॉल है जो नॉन लिविंग होती है, बाकी पूरा का पूरा सेल लिविंग होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है और प्रोटोप्लाज्म भी आ जाता है, सही है। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग लेयर, इट्स अ लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज सेमी परमीएबल। अब जिन लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था उनमें से कोई चीता बच्चा मुझे बता सकता है कि सेमी परमीएबल क्या होता है, व्हाट इज सेमी परमीएबल? हाँ भाई, एनीवन जल्दी से बताएं सेमी परमीएबल क्या होता है। एक्सीलेंट आंसर भजिया, कुछ चीजें पास हो सकती हैं और कुछ चीजें पास नहीं होती। हम सब सुन बैठे हुए, ईद में इतना गोश्त खाया, इतना गोश्त खाया कि दिमाग पे चढ़ गया, किसी को याद ही नहीं है कि सेमी परमीएबल होता क्या है, लेकिन इनको याद है। अच्छा जी, तो कुछ चीजें पास हो सकती हैं और कुछ चीजें पास नहीं हो सकती। अब ये क्यों होती है सेमी परमीएबल? इसलिए सेमी परमीएबल होती है, एक का भी जवाब आया भाई, जो किसी को पास होने देती है और किसी को नहीं देने देती। सही है, सही है, एक्सेलेंट आंसर भाई। अब ये क्यों होती है सेमी परमीएबल? क्योंकि ये लिविंग लेयर होती है, इसके पास ये अथॉरिटी है कि ये जिसको चाहे रोके जिसको चाहे ना रोके। अब आप लिविंग है, आप गेट के ऊपर खड़े हो जाए और आप किसी को, आपकी मर्जी है, आप किसी को बोलेंगे भाई तुम अंदर आ जाओ और आप किसी को बोलेंगे भाई तुम रहने दो, तुम बाहर ही रुक लो, तुम्हारा काम नहीं अंदर, ठीक है, क्योंकि आप लिविंग है। लेकिन अगर गेट के पास एक लाश खड़ी हुई है, अब गेट में अब क्लियर आ रही है आवाज परास? ओके, तो मैं ये बता रही थी कि आप लिविंग है तो आप गेट को होल्ड करके खड़े हो सकते हैं कि भाई तुम गुजरोगे तुम नहीं गुजरोगे, तुम्हारा काम नहीं, तुम बाहर ही हो। लेकिन अगर गेट पे कोई लाश खड़ी हुई है, अब क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो चीजों को रोक, लोगों को रोक सके गुजरने से? जो चाहेगा गुजरेगा, जो जिसकी मर्जी होगी वो गुजरेगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी नहीं गुजरेगा। तो सेमी परमिएबिलिटी मतलब किसी चीज को गुजरने दे और किसी चीज को गुजरने ना दे। अब ये बताएं परमिएबल की एग्जांपल क्या है हमारी बॉडी, हमारी तो बॉडी में नहीं मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, परमिएबल की एग्जांपल क्या है? एनीवन? सेल वॉल भाई, सेल वॉल, एक्सीलेंट आंसर भजिया, सही जवाब दिया बेटा। हैंड फ्री वगैरह लगा ले, देखा हो सकता है हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, बाकी सबको तो आवाज सही आ रही है ना, किसी को और दबी दबी तो नहीं आ रही? हाँ देखा बेटा, ये जरा ये मतलब एंट्री वगैरह अगर चेक करें हो सकता है उसमें आगे कुछ गड़बड़ हो। सही है भाई, तो ये हो गया सेमी परमीएबल। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि बनी भी किससे होती है सेल मेम्ब्रेन, सही है, तो किससे बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब देखिए लास्ट जो हमने क्लास ली थी जमाना पहले, उसमें हमने सेल वॉल जब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सेल वॉल प्लांट में अलग बनी हुई होती है, बैक्टीरिया में अलग बनी हुई होती है, फंजाई में अलग बनी हुई होती है। उसका आपको रटना है कि किसमें सेल वॉल किससे बनी हुई होती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप ये बात याद रख लें कि ये अवामी लेयर है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से ही बनी हुई होती है और कोई चीज नहीं मौजूद होती सेल मेम्ब्रेन में। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन इन्हीं दो चीजों से बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, सही है। अब फॉस्फोलिपिड क्या होता है?
फॉस्फोरस का नाम सुना है आप लोगों ने? एक मिनरल होता है जो जमीन में नेचुरली पाया जाता है, फॉस्फोरस नाम सुना है सबने? एक धात होती है, मिनरल होता है। सबने सुना भाई मैं फॉस्फोरस का नाम? ये खाली अरहम का जवाब क्यों आया है, सब क्यों नहीं बताया? अब बताया ना आपने, ये बात हुई ना? हाँ, केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। तो फास्फोरस जब रिएक्ट करता है लिपिड्स के साथ, लिपिड्स क्या होते हैं? चिकनाई ऑयली चीजें जो होती हैं, फैट्स जिन्हें आसान भाषा में कहा जाता है, सही है? तो फास्फोरस जब रिएक्ट करता है लिपिड्स के साथ तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है, सही है? तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। और प्रोटीन तो आपको पता ही है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं कहा जाता है। ये दो चीजें मिलकर बनाती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब यहाँ पे आप जरा स्ट्रक्चर देखें, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बड़ा ही समझने वाला है, तो जरा आप लोग अपने कान नाक आंख मुंह सब खुला रखिएगा और जरा सही समझिएगा, थोड़ा मुश्किल है। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी इनके स्ट्रक्चर को कहा क्या जाता है, लिखने वाली चीज से बात आएंगे, पहले ये देखने डायग्राम। ये देखिए भाई, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड बाय लेयर, सही है? सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो वो दो लेयर से बनी हुई होती है, एक ये ऊपर वाली लेयर है, एक ये ऊपर वाली लेयर जा रही है और एक आप ये देखें ये नीचे वाली लेयर जा रही है। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाय लेयर, ठीक है? बाय का मतलब क्या होता है? दो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बाय जो लिखा हुआ है ना, ये वाला बाय लेयर, ये क्या होता है? बाय मींस दो। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो लेयर्स से बन रही होती है, और दो लेयर्स कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड की होती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? लिपिड बाय लेयर कहा जाता है, ठीक है? अब आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, एक यू करके गोल बना हुआ है और फिर नीचे जो है वो दो धागे हैं इस तरह से, यहाँ पे देखें ऐसा ही है ना, इस जगह पे ये जो है ये एक लेयर हो गई सेल मेम्ब्रेन की और ये दूसरी लेयर हो गई सेल मेम्ब्रेन की, सही है? अब फॉस्फोलिपिड में ये जो ऊपर वाला गोल पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है? फॉस्फोरस कहलाता है, ये फॉस्फो से बना हुआ है। और जो नीचे ये दो धागे नजर आ रहे हैं ना आपको, ये किससे बने हुए होते हैं बेटा? लिपिड से बने हुए होते हैं। ये है पूरा फॉस्फोलिपिड, ये पूरा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है? ये जो गोल दायरा है ये पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड है। इसके अंदर ये जो ऊपर वाला है ना, ये फॉस्फोरस है और नीचे जो ये दो डंडियां नजर आ रही है ना आपको, ये लिपिड है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई किसी को? बुरहान नए बच्चे आए भाई, आपको मैंने पहले नहीं देखा, आप न्यू एडमिशन है ना? बेटा चैप्टर नंबर टू चल रहा है हमारा, आपको बता दूं बुरहान, चैप्टर नंबर वन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप देख ले भाई, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल जाएंगे, ठीक है? सेंटर वाले आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता, जब इंशाल्लाह सेंटर खुलेंगे ना, तब अगर कुछ समझ में नहीं आता लेक्चर में से तो मुझसे आकर पूछ लीजिएगा, बाकी सब समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर आसान है। अरहम पूछ रहे हैं ना, ये अच्छा, देखिए ये फॉस्फोलिपिड है ना पूरा, ये लिपिड बाय लेयर है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। अब ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये एक अंडा और इसके साथ जो ये दो धागे मौजूद है, ये क्या है? ये एक फॉस्फोलिपिड है। इसी तरह से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें से जो ये ऊपर गोल गोल है ना, ये है फॉस्फोरस, और नीचे जो ये धागे धागे मौजूद है ना, ये क्या है? लिपिड, सही है? अब एक बात याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के दो एंड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड के, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉस्फोलिपिड के दो एंड्स होते हैं,
एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक का कोई मतलब बता सकता है मुझे? कोई बच्चा, एनी जीनियस ऑफ द क्लास का मुझे बता सकता है व्हाट डज हाइड्रोफिलिक मींस? नो, नहीं, इतना अपर एंड नहीं बोलते। चले, अरहम ने एक जवाब तो दिया भाई, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो फिलिक का मतलब क्या होगा? फिलिक का मतलब बता दो, हाइड्रो मीन्स वाटर, सही बताया आपने। नहीं, फिल्ड नहीं होता। फिलिक का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिंग, लविंग, सही है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट या वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, ऐसा पार्ट सेल मेम्ब्रेन का जो वाटर को आराम से एब्जॉर्ब होने देता है, वाटर को आराम से अट्रैक्ट कर लेता है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। ये बताया ना असरा ने, ये बात बोली उन्होंने, वाटर को अंदर आने देता है, अंदर आने वाली बात नहीं है, वाटर को सिर्फ अट्रैक्ट करता है, सही है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट, अब फॉस्फोरस हाइड्रोफिलिक होता है, सही है। क्यों? आपको पता है ना, सारे मिनरल्स आराम से घुल जाते हैं पानी के अंदर, आराम से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो फॉस्फोरस भी एक मिनरल है। फॉस्फोरस क्या हुआ? हाइड्रोफिलिक पार्ट। जबकि लिपिड जो होता है, आपको पता है चिकनाई और पानी की कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, सही है। तो लिपिड का पार्ट जो होता है, ये जो दो झालरें लटक रही है ना, ये जितनी बीच में झालरें हैं, सब क्या है बेटा? लिपिड है, सही है। तो लिपिड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरना या फिर हेट करना, तो इट्स अ वाटर हेटिंग पार्ट, नफरत करता है ये पानी, सही है ना। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, फॉस्फोलिपिड एक लिपिड बायलेयर है, सही है। ऊपर भी एक लेयर मौजूद है, ये रही ऊपर की लेयर, और नीचे भी एक लेयर मौजूद होती है। दोनों लेयर्स फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है फॉस्फोरस और एक होता है लिपिड का पार्ट। नीचे वाले में भी देख लिया, ये रहा फॉस्फोरस और ये रहा लिपिड, सही है। फॉस्फोरस हमेशा सेल के बाहर की तरफ होगा या सेल के अंदर की तरफ होगा, और लिपिड दोनों कहाँ पे होंगे बेटा? बीच में होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये सेल के बाहर वाला एरिया है, ये सेल के अंदर वाला एरिया है। दोनों तरफ कौन फेस कर रहा है? फॉस्फोरस फेस कर रहा है। यहाँ पे भी फॉस्फोरस फेस कर रहा है सेल के बाहर वाले एरिया को। और यहाँ पे भी फॉस्फोरस जो है वो सेल के अंदर वाले एरिया को फेस कर रहा है, जबकि लिपिड जो होता है ना वो बीच में मौजूद होता है। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि फॉस्फोरस बाहर की तरफ क्यों मौजूद है और लिपिड अंदर की तरफ मौजूद क्यों? एनी बच्चा? क्यों फॉस्फोरस सेल के बाहर की तरफ भी मौजूद है और अंदर की तरफ भी मौजूद है, जबकि लिपिड बीच में बेचारा दब के मौजूद? कोई बच्चा बता सकता है इसका रीजन? हाँ भाई, कहाँ सुन बैठे हैं सब? तो अरहम, आप पानी कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं क्या? वो भी आप फूड के जरिए से ही ले रहे होते हैं, पानी तो पीते ही है ना। बुरहान ने क्या जवाब फेंका भैया? फॉस्फोरस इज हाइड्रोफिलिक, एक्सीलेंट आंसर। इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और फराज ने भी सही जवाब दिया भाई कि लिपिड जो होता है वो पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक्सीलेंट आंसर। आप देखिए भाई, दोनों ने सही जवाब दिया है। सेल के बाहर भी फ्लूइड मौजूद होता है, यानी पानी मौजूद होता है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी पानी मौजूद होता है। जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सही है। 90% साइटोप्लाज्म बना हुआ पानी से होता है, और सेल के बाहर भी पानी मौजूद है। तो जब दोनों तरफ पानी मौजूद है तो लिपिड बाहर कैसे हो सकता है? पहला जवाब तो इसका ये कि भाई अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें नहीं पता। तो पहला जवाब तो यही होगा, सही है, हर चीज अल्लाह ने बनाई जा रहा है। बट लॉजिकल इसका आंसर ये है। आपका जवाब क्या था बेटा? एक मिनट हो गया मुझे देखने दे रहा। नहीं अरम, ये जवाब सही नहीं है, ये रीजन नहीं है फॉस्फोलिपिड के बाहर होने का, सही है। अच्छा,
हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ, तो अब सेल के अंदर भी पानी मौजूद है और सेल के बाहर भी पानी मौजूद है। अब क्योंकि फॉस्फोरस हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वही वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए फॉस्फोरस को बाहर रखा गया है। जबकि लिपिड वाटर हेटिंग पार्ट होता है, नफरत करता है पानी से, तो वो कैसे आप सोचे बाहर मौजूद हो सकता है? वो तो वाटर को रिपेल करेगा ना, वो वाटर को दूर फेंकेगा, सेल के पास भी नहीं आने देगा पानी, तो जाहिर है फिर तो सेल की डेथ हो जाएगी अगर सेल के अंदर पानी नहीं आएगा तो। इसलिए फॉस्फोरस को बाहर रखा गया है और लिपिड को अंदर की तरफ रखा गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, सही है? अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो सेकंड डायग्राम के ऊपर आ जाए, ये वाली जो डायग्राम है इसके ऊपर जरा आप लोग आ जाए तो हम प्रोटीन देख लेते हैं। ये देखिए भाई, आपको ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह तो गड्ढे नजर आ रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, मतलब ऊपर उभार से नजर आ रहे होंगे पर्पल कलर, सही है? ये आपको अंदर की तरफ भी नजर आ रहे हैं पर्पल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है निखिल भाई? हाइड्रोफिलिक फॉस्फोरस को बोलते हैं क्योंकि वो पानी को अट्रैक्ट करता है ना, इसलिए उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफोबिक लिपिड को बोलते हैं क्योंकि वो वाटर को से नफरत करता है, तो वाटर को दूर फेंकता है, सही है? यही तो है बस। अच्छा, तो नेक्स्ट डायग्राम में हम प्रोटीन देख रहे हैं, तो आपको ये जो पर्पल पर्पल सारे ये उभार नजर आ रहे हैं ना, ये क्या होता है? प्रोटीन। एक बात का ख्याल रखिएगा, सेल जो होता है ना वो कभी भी कलर्ड नहीं होता, सही है? ये नहीं होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ब्लू ब्लू फॉस्फोलिपिड देख लिया और फिर आप कभी देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप बोल रहे हैं इसने तो हमें ब्लू दिखाया था, ये तो ब्लू नहीं है। सेल कलर्ड नहीं होता, सही है? ये कलरफुल इसलिए बनाया गया ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आ जाए, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, वरना सेल पूरा का पूरा कलरलेस होता है, सही है? उसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं होता। अंडरस्टूड? सो बहरहाल, तो हम बात कर रहे हैं भाई कि ये जो पर्पल पर्पल आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, आप देखें कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो पूरा सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर से लेकर पूरा अंदर तक खुले हुए चैनल बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। एक तो ये प्रोटीन है, और एक आप प्रोटीन देखें जो या तो सिर्फ ऊपर मौजूद है या सिर्फ नीचे मौजूद है, यानी ये पूरा चैनल नहीं बना रहे, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा नहीं जा रहे, ये सिर्फ एक तरफ मौजूद है, या तो सेल की बाहर की तरफ मौजूद है या फिर सेल के अंदर की तरफ मौजूद है। जबकि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो पूरा चैनल बना रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। सबको नजर आ रहे हैं दो तरह के प्रोटीन हैं, हर कोई देख सकता है? ओके, अच्छा जी, तो अब वो प्रोटीन्स, हाँ ऐसे ही होती है बेटा, रास्ता बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं। अब सुने भाई, वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स को क्रॉस कर रहा होता है, जो बाहर से खुल रहा होता है और पूरा अंदर तक जा रहा होता है, पूरा रास्ता बना रहा होता है, वो प्रोटीन क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। आगे जो स्लाइड आएगी उसमें लिखा हुआ है, सही है? तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए, वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक कहलाता है। आई भी लिखना पड़ रहा है, इन ट्रिन और दूसरी तरह की प्रोटीन कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल, सही है? इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक याद रखिएगा। अच्छा,
वापस चलते हैं भाई दूसरी वाली उसमें। तो वो प्रोटीन जो पूरी सेल मेम्ब्रेन की विड्थ को क्रॉस कर रहा है और ऊपर से भी खुला हुआ है नीचे से भी खुला हुआ है वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका काम क्या होता है बेटा? ये रास्ता बना रहा होता है चीजों के गुजरने के लिए, सही है? जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं, जितना भी ग्लूकोज होता है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो सब इन्हीं चैनल से गुजर के सेल के अंदर जा रही होती है या सेल से बाहर जा रही होती है। समझ में आ गई बात? तो ये रास्ता बना रहा है चीजों के गुजरने के लिए। और फिर एक प्रोटीन ऐसा है जो आप सब देख रहे हैं जो या तो सेल के बाहर मौजूद है या सेल के अंदर की तरफ मौजूद है, यानी ये पूरी लेंथ को क्रॉस नहीं कर रहा, पूरी लेंथ को क्रॉस नहीं कर रहा, ये या तो सिर्फ अंदर की तरफ आपको नजर आएगा या फिर सिर्फ बाहर की तरफ नजर आएगा। ऐसा प्रोटीन क्या कहलाता है बेटा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, EXTRINSIC, एक्सट्रिंसिक, सही है? तो दो तरह के प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम? ओके ग्रेट। टाइम बता दे भाई जल्दी से, टाइम क्या हो रहा है? हाँ अरे मैं अभी दूसरी स्लाइड जब लगाऊंगी ना तो आप उसमें देख लीजिए, फिर लिखा हुआ है दोनों के नाम, बस मैं लगा रही हूँ। ओके तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर दिया किसने है। दो साइंसदान थे, सिंगर एंड निकोलसन, सही है भाई? उन्होंने दिया है ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा समझाया है। ये इन दो साइंसदानों की हमें मिल रहा है, इनका एहसान है हम पर, इतना बड़ा बोझ डाल के चले गए हमारे ऊपर कि हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ओके और नीचे अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन लिपिड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड बाय लेयर, सही है? फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? फॉस्फोरस और लिपिड, सारी बातें रिपीट कर रही हूँ मैं। फॉस्फोरस क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो कि बाहर होता है सेल के और सेल के अंदर फेस कर रहा होता है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। जबकि लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और वो बीच में मौजूद होता है लिपिड बाय लेयर। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो या तो सेल के बाहर होंगे मौजूद या सेल के अंदर एक तरफ मौजूद होंगे, और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरा बाहर से लेके अंदर तक पूरा मौजूद। सही है, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। एनी क्वेश्चन? ओके फाइन। अब इसके फंक्शन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल को, सबसे बाहर वाली लेयर है ना, सपोर्ट देगी सेल को, सेल को शेप प्रोवाइड करेगी सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल होती है, सेमी परमीएबल होने का आपको पता है बड़ा फायदा है। कुछ सोचें, सेल के अंदर अगर पानी बहुत ज्यादा हो गया, ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा मौजूद है, फिर भी अगर वाटर भरे चले जा रहा है सेल के अंदर, तो सेल क्या हो जाएगा बेटा बताएं? सेल को क्या मसला होगा? अगर ऑलरेडी पानी ज्यादा मौजूद है सेल में और फिर भी पानी भरे जा रहा है, कोई उसको रोकने के लिए मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा सेल के साथ? एग्जैक्टली एक ना, सेल फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सही है? तो सेमी परमीएबिलिटी जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मेक श्योर करता है सेल मेम्ब्रेन कि जिन चीजों की सेल में जरूरत है और जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही सेल के अंदर जाए, अदरवाइज ना जाए सेल के अंदर, सही है? तो ये सेमी परमीएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हमारा खत्म हो गया। आपको मैंने बताया था कि हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। हम सबसे पहले हमने सेल वॉल डिस्कस की, आप लोगों को उसका लेक्चर आज का मिल जाएगा। फिर अब हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे, सही है? आपको एक मिनट, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कि बाहर एक लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट होती है,
और उसके बाद अंदर ये हो गया, बना लेने दे भाई मुझे, फिर बोलूंगी। अच्छा जी, तो सबसे बाहर वाली जो मैंने ये लेयर बनाई है ये क्या कहलाती है? हम पढ़ चुके हैं ये, बताया भाई। तो सबसे बाहर वाली लेयर मैंने बनाई है, अभी तो मैंने दो लेयर्स बनाई है ना निकट, तो उसमें सबसे बाहर वाली कौन सी है? सेल वॉल, सही है। उसके अंदर वाली कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ होता है वो क्या कहलाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ है वो सब क्या कहलाता है? ये अरहम और फराज तो पिछली क्लास में मौजूद थे, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं। साइटोप्लाज्म नहीं कहलाता, सिर्फ बजिया ने सही जवाब दिया है जबकि आप सब मौजूद थे। प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, याद रखे ना भाई, क्यों भूल जाते हैं? अच्छा आप नहीं थे, चलिए कोई बात नहीं, अब सुन ले। हाँ अब आ रहा है सबके जवाब। तो अंदर जितना भी कुछ है वो सब क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब प्रोटोप्लाज्म मजीद दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जो बाहर वाला पार्ट होता है जो कि बाहर पानी से भरा हुआ होता है, ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है बताएं भाई? जी ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। नहीं भाई, प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट जो बाहर की तरफ मौजूद होता है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और अंदर वाला पार्ट जो होता है, जो बीच में गोल सी एक बॉडी मौजूद है, वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस, वेरी गुड। नहीं भाई, ये न्यूक्लियस हो गया। तो जो ये नए आए हैं इनको, या जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं समझा था, वो समझे। कभी भी मत बोलिएगा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, होता तो है, बट डायरेक्ट बोलने की क्या जरूरत है? पहले बताएं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ होता है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, सही है। फिर प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो बाहर वाला पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, जो अंदर वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है, सही है। तो हमने सेल वॉल डिस्कस कर लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, अब हम प्रोटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। और प्रोटोप्लाज्म में भी सबसे पहली चीज हम क्या डिस्कस करेंगे? साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। ओके, अभी ना थके, अभी तो सेल अच्छा खासा बड़ा है। ये आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है? ये 3 महीना चलता है ये चैप्टर। वो तो अभी हम लोग मल्टीमीडिया में पढ़ रहे हैं, तो दुआ करें कि 1.5 महीने में ये खत्म हो जाए, वरना तो ये 3 महीना आराम से लेता है ये चैप्टर। ये आपकी पूरी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो अभी ना थके, अभी तो उससे शुरुआत है। बहरहाल, तो साइटोप्लाज्म, हाँ जी, तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। 90% साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है? पानी से बना हुआ होता है, चलिए मैं पानी ही तैर रहा होता है इसके अंदर 90%। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं? खाने पीने की चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो सेल को जरूरत होती है एनर्जी बनाने के लिए, वेस्ट मौजूद होता है यानी बेकार चीजें, सही है भाई, वेस्ट मौजूद है। गैसेस मौजूद होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हॉर्मोन मौजूद होते हैं, सही है, केमिकल्स जो होते हैं ना हॉर्मोन, वो मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। बट
अच्छा साइटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज भी बड़ी अच्छी मौजूद होती है, वो है ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं ऑर्गेनल्स? मैंने जब आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ाया था तो बताया था कि ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनल्स कहलाती है। सही है? मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ जरा। ये डायग्राम सबको नजर आ रही है? इस डायग्राम के अंदर आप देखें इस डायग्राम में देखिए भाई आप लोग, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको डिफरेंट फैक्ट्रीज नजर आ रही होंगी। एक ये लगी हुई है फैक्ट्री छोटी सी, ये एक फैक्ट्री मौजूद है पर्पल कलर की। सही है भाई? इसी तरह से ये एक छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है साइटोप्लाज्म में, इसी तरह से ये एक फैक्ट्री लगी हुई है। सही है? इसी तरह यहाँ पे ये वाली एक फैक्ट्री मौजूद है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, वो फैक्ट्रीज बेसिकली क्या कहलाती है? ऑर्गेनल्स कहलाती है, जो सेल का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। सही है? ये उन बच्चों के लिए है जो या तो लास्ट क्लासेस में नहीं थे या जो न्यू एडमिशन है ना उनके लिए है। सही है? अच्छा जी, वापस अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं भाई। बेटा सेल तो छोटा होता है लेकिन सेल के अंदर भी तो देखिए कितना कुछ भरा हुआ है। सेल छोटा है लेकिन वो था ना, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, कोई वाला मसला है सेल के साथ? इतना छोटा बच्चा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए हैं ना इसने, हमारी पूरी बॉडी को संभाला हुआ है इस छोटे से बच्चे ने, तो इसलिए फिर इतनी इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इतना बड़ा चैप्टर बना दिया इनके लिए। ओके तो ऑर्गेनल समझ में आ गया भाई, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है। हाँ, छोटा पैकेट में बड़ा दिमाग है। सही है? तो आप साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है और वो फैक्ट्रीज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है जो क्या कहलाती है? ऑर्गेनल्स कहलाती है। हाँ जाहिर है, ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद है आपकी बॉडी में असरा, तो सब मिलके ये काम कर रहे हैं, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अच्छा जी, अब ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब जो आवाम लास्ट क्लासेस में मौजूद थी वो जल्दी से बता दें, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन क्या होते हैं। चले भाई जल्दी से।
और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जितने बच्चे लास्ट क्लासेस तक है उनको पता होना चाहिए, तो बड़ी मेहनत से समझाती हूँ। जल्दी से बता दे भाई। जवाब तो सही बताया है, बस थोड़ा सा गड़बड़ है। ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर लिपिड की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, चिकनाई की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो कहलाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, और जिनके ऊपर कोई लिपिड की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है वो कहलाते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सही है, फराज ने बिल्कुल सही बताया, लिपिड की लेयर होती है उसपे ऑर्गेनल्स के ऊपर, सही है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है, और जिनके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है वो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सही है। अच्छा देखिए भाई, हम यहाँ पे क्लास को अपनी एंड कर रहे हैं, सही है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना सही पढ़ लेते हैं हम लोग, थक गए हैं आप लोग भी पढ़ पढ़ के। जाए भी, मौसम एंजॉय करें, पकोड़े वकोड़े खाएं, सही हुई। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है, अल्लाह हाफिज।